गुड़गांव में खेल विभाग के हेडक्वार्टर अधिकारी अनीता तिवतिया ने गुड़गांव के नेहरू और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में छापा मारा, जहां स्टेडियम तीन कोच वहां से गायब मिले और इसके बाद तीनों कोच को अब्सेंट लगा दी गई और विभागीय जांच की चेतावनी भी तीनों को दी गई है। गुड़गांव के स्टेडियम में जब हेडक्वार्टर खेल अधिकारी अनीता तिवतिया पहुँची तो हड़कंप मच गया। वैसे तो तिवतिया स्टेडियम में योगा दिवस और अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही वो पहुंची तो वहां हॉकी कोच मनीष दांगी, सुरेश शर्मा और अशोक दुआ, हैंडबॉल के कोच अपनी ड्यूटी से नदारद मिले, जिसके बाद अनीता तिवतिया ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच की चेतावनी दी और उनकी गैरहाजिरी लगा दी। वहीं इससे पहले भी कोच की ये लापरवाही सामने आ चुकी है। इसके साथ ही अभी दो दिन पहले भी गुड़गांव की जिला अधिकारी रोशनी देवी को भी लापरवाही के चलते ही सस्पेंड किया गया था। डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स ने मेरे को निर्देश दिए भी आप गुड़गांव जिले में जाके अपने जो है जितने भी हमारे कोचिज हैं उनके सारे सेंटर जो है विजिट करने हैं, आपने देखना है कि खेल विभाग की जो गतिविधियां हैं वो कैसे चल रही हैं, और स्पेशल जो है हमारे ना योगा के जो है ना वॉलंटियर जो हैं 1000 हमारे हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो उसमें अपॉइंटमेंट करने जा रहा है और 25 कोचिज करने जा रहा है। वहीं इसके अलावा अनीता तिवतिया ने गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण भी किया, जहां कोर बॉल के लिए कुछ इंतजाम नजर नहीं आए। वहीं इसके बाद खेल अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें योग दिवस को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को योग दिवस को लेकर लोगों को जागरूक करने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही अनीता तिवतिया ने 1000 योग वॉलंटियर और कोच की नियुक्ति की भी प्रक्रिया को तेज करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हमने कुछ 1000 लोगों को भर्ती करने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किए जाएंगे, जिसमें 7 योगा ट्रेनर हैं, उसके बाद बाकी जो वॉलंटियर लगाए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार ने जितने भी योगा के बच्चे एक्सपर्ट बच्चे हो गए हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और उसके साथ साथ हर गाँव में हर घर में योग का भी प्रसार होगा। गुड़गांव में 45 वॉलंटियर और कोच की नियुक्ति होनी है, जो योग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और योग को बढ़ावा देने में योगदान देंगे। सरकार ने भर्ती निकाल दी है, जल्द ही योग सिखाने के लिए स्टेडियम में इनकी नियुक्ति की जाएगी, जिससे योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो योग की शिक्षा ले चुके हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा।